अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम मोशन चैप्टर के आगे हम पढ़ने वाले हैं। कल तक हमने पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्वीलिनियर मोशन। उसके आगे जो आज नया टॉपिक है उसका नाम है रोटेशनल मोशन। आइए पहले जानते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन रोटेशनल मोशन व्हेन इट स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस और इट्स सेंटर ऑफ मास। सम एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन आर मोमेंट ऑफ फैन और विंडमिल स्विंग लाइक मैरी गो राउंड एंड द सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक। ठीक, तो जो रोटेशनल मोशन है वो क्या होता है? वो बोल रहा है कि अगर कोई भी मोशन हो किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने एक्सिस पे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? रोटेशनल मोशन हो जाएगा। जैसे आप मान सकते हैं कि ये फ़ैन इस तरह से, यहाँ पे एक फ़ैन कनेक्टेड है, तो ये उसका एक्सिस हो गया फ़ैन का, और उसके अलोंग क्या कर रहा है वो, अपने जो है एक्सिस के अलावा अगर वो रोटेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? वो रोटेशनल मोशन होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स एनी पॉइंट अलोंग इट्स डायमीटर इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वो क्या कर रहा है कि रोटेट कर रहा है अलोंग इट्स डायमीटर, डायमीटर के अलावा अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, इसको क्या कहेंगे हम? सर्कुलर मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है यार, अब विद रिस्पेक्ट टू किसके? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। दस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट ऑल पॉइंट मूव्स इन सर्कुलर सर्कल्स एंड देयर एक्सिस अराउंड अ फिक्स्ड सेंटर। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन कर रहा होता है तो वहाँ पे जो वो क्या होता है कि उसका जो एक्सिस होता है, ठीक है, दस जो उसका हर पॉइंट सर्कल का, तो वो क्या होता है? हर पॉइंट, जैसे एक फ़ैन रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो उसका हर पॉइंट क्या होता है? वो रोटेशनल मोशन में होता है। ठीक है, एक फिक्स सेंटर के, जैसे आप ये फैन ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो एक फिक्स सेंटर के चारों तरफ वो उसका हर पॉइंट जो होता है वो रोटेट करता है, ये दरअसल बताना चाह रहा है। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। द टू एंड फ्रो मोशन और वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, इट्स पीरियोडिक इन नेचर। अब जैसे आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं, कोई भी पेंडुलम, मोमेंट ऑफ पेंडुलम इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो जैसे सपोज कर एक पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, जो घड़ी के नीचे लगा रहता है, तो इस तरह से मूव करता है, तो उसका जो मेन एक्सिस है उसके वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये मेन एक्सिस है, और इधर ऐसे, तो दोनों तरफ से एक बराबर मूवमेंट कर रहा है। अगर उसके बीच में अगर एक एक्सिस डाल दिया जाए तो इस तरह से बराबर में मूवमेंट करता हुआ, तो इसको क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अ स्विंग एंड अ बेल एंड इन सम एग्जाम्पल आर ऑसिलेटरी मोशन। ये सब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सब किसका एग्जाम्पल है? ऑसिलेटरी मोशन का। द टर्म वाइब्रेटरी मोशन इज यूज्ड व्हेन ऑसिलेशन अकर्स एट फास्ट स्पीड। तो जब ऑसिलेशन को, ऑसिलेटरी मोशन को अगर फास्ट स्पीड में किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? ऑसिलेटरी नहीं बल्कि वाइब्रेटरी मोशन हो जाएगा। दस रैपिड टू एंड फ्रो, तो रैपिड टू एंड फ्रो अगर मोशन होगा तो वो क्या हो जाएगा? वाइब्रेटरी मोशन हो जाएगा। मोमेंट ऑफ स्ट्रिंग, मोमेंट ऑफ स्ट्रिंग की बात करें, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर हम बात करें तो उसमें मोमेंट ऑफ स्ट्रिंग, जो धागे का जो मोमेंट होता है, लाइक गिटार, एंड मोमेंट ऑफ सरफेस ऑफ ड्रम, या फिर हम ड्रम में अगर सरफेस पे अगर हम कंटिन्यूसली टू एंड फ्रो करते रहें तो भी क्या बनता है आपका? बल्कि ऑसिलेटरी नहीं, बल्कि क्योंकि वो कंटिन्यूस हो रहा है तो वो क्या होता है? वाइब्रेटरी मोशन होता है, और फास्ट स्पीड में होता है तो वो क्या होता है? वाइब्रेटरी मोशन हो जाता है। इन द सरफेस ऑफ ड्रम, या ड्रम के सरफेस पे करें, या फिर तबला पे, व्हेन प्लेड आर सम एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। तो ये सब एग्जांपल किसका है? वाइब्रेटरी मोशन का। तो आज हमने पढ़ा है रोटेशनल मोशन एंड ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो बाकी अगर हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।